हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और हम हो चुके हैं रेडी फटाफट। 7:50 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं और हम सब रेडी हो गए हैं। ये देखो, ये देखो। और अभी करने जा रहे हैं हम नाश्ता और फिर जाएंगे एयरपोर्ट पे। मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, मेरी भी फर्स्ट है, भैया की भी और मम्मी की भी और मौसा जी की भी। बाकी सादी और मौसी की नहीं है, वो पहले भी बैठ चुके हैं, इसलिए मुझे इंटरेस्ट हो रहा है मैं जल्दी जल्दी जाने का। तो चलते हैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके, हमें 10 बजे तक पहुंचना होगा वहाँ पे। आ चुके हैं हम अपने उसी रेस्टोरेंट में। वो शायद सुबह सुबह कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुलता है, सिर्फ ये इंडियन कैफ़े ही खुलते हैं। और इसमें सुबह सुबह आलू पराठा ये वाला चीज़ें नहीं मिलती, सिर्फ ये मिलती इडली डोसा सांभर वड़ा, ये सारी चीज़ें ही मिलती है। हमें यह खाने की आदत है, 2 दिन से ही खा रहे हैं, पर हमने फिर भी कटलेट ही मंगा लिया जो कुछ चाहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, नॉर्मल। मुझे नॉट बैड के लिए ठीक है। फ्राई कर रखा है ना। अभी हमने अपना नाश्ता वास्ता सब कर लिया है और अभी जाने लग रहे हैं हम अपने होटल पे। वहाँ से हमने ओला बुक कर रखी है अपनी और फिर चलते हैं। चल रहे हैं, अभी ही पास में ही है हमारा होटल, स्टेशन के पास में लिया था हमने। हमारी फ्लाइट 12 बजे है ना, तो हम अंदर आके बैठ गए हैं और सब बैठे हुए हैं। ग्वालियर का थोड़ा छोटा एयरपोर्ट है, दिल्ली का बड़ा है। वहाँ देखिए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। साध्या खुश है ना, साध्या मस्ती कर रही है, कर रही है ना, मजा आ रहा है साध्या की चाची के साथ। चल अभी आए हैं हम अपनी बोतल भरने के लिए पानी के, बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी है बैठ बैठ के। आपको पीना है पानी? पीना ज़्यादा ठंड है, पानी गर्म जा रही है। पानी गर्म करने की निंजा टेक्निक बता रहे हैं मौसा जी हमें। स्किन की स्किन सही हो जा रही है, पानी का पानी गर्म हो जा रहा है। मस्ती करते हुए एयरपोर्ट पे मौसा जी पूरे। और साध्या पूरी एडिटिंग करते हुए यहाँ पे। हेलो हेलो, पानी ना उबल गया, इतना गर्म उबल गया, ज्यादा गर्म। अब इसे ठंडा करो, अब इसे ठंडा करो। सब हो गई है, अभी देख लेते हैं कुछ खाने के लेने हैं शादिया को कैंटीन से। ये है एयरपोर्ट की कैंटीन और हम अभी बैठे हैं वेटिंग रूम में। वो बैठे हमारे मेंबर। क्या लिए?
कैंडीज लिए सादिया ने यहाँ से। ओके जाओ, अब अभी जाओ। देखो कितने कॉन्फिडेंस से जा रही है। ये देखो ये मंदिर है, और ये मंदिर कौन सा है ये बताएगी सादिया, कौन सा मंदिर है ये? साधु आपका मंदिर। सास बहू कौन है यहाँ पे, कौन है? सादिया एक पोएम सुनाएगी, बहुत अच्छी सुनाती है। चलो सादिया करो। कितनी अच्छी सुनाती है ना, कितनी क्यूट सी लगती है। ज़्यादा गर्मी लग रही है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। हेलो मौसी, हम तो सब ठीक ही थे, एक साथ बैठे हुए हैं।
पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, अब अपना लगेज ले गए यहाँ से। देख मैं यू देंगे वो तो हमारी घूम रहे हमारी लगेज ही घूम रहे, हम फ्रेश होने चले गए, हमारे बेचारे घूमते फिर रहे। ये देखो उन्होंने उठाया नहीं है अपना लगेज, हमारे ही घूम रहे बस। ये देखो तुम तो गया, कोई नहीं है क्या हमारा? हाँ सब हमारे ही घूम रहे खाली। हम तो मेरे फ्रेश हो गए फिर ठलेगी लगेज वो गेज, ये घूम रहे बेचारे लावारिस किधर। सबने अपने लगेज ले लिए, हमें भी ले लिए, जल्दी उठा लो बेचारे, कितने बार चक्कर काट लिए होंगे इन्होंने। वो कह रहे होंगे कहाँ रह गए मालिक, वो सुन तो लो, वो कह रहे होंगे कहाँ रह गए मालिक। और क्या छोड़ो, चीज सस्ती ना ऐसे। मैंने दे दो, कितना मजा आ रहा है। चलो चलो चलो, ये मतलब जहाँ से उतरे थे बस से और यहाँ तक अभी हम समझ रहे 2 किलोमीटर चल लिए होंगे, बट चलते ही जा रहे बट यहाँ चलने में मज़ा भी आ रहा है ना मम्मी, यहाँ चलने में मज़ा आ रहा है क्योंकि आराम से टैक्सी जा रही है, पता भी नहीं चल रहा। हाँ हाँ, ना धूप लग रही ना कुछ, आराम से एसी में जा रहे हैं अंदर मजे। पूरी दिल्ली सी के नीचे पर है, पूरी अंडरग्राउंड दिल्ली हो रखी है पूरी दिल्ली। हाँ मैं खींच रहा हूँ अभी इनकी, अभी जाने लग रहे हैं हम नीचे सारे, बड़ा चलना पड़ रहा है भाई बार बार यहाँ, तो ऐसे चल रहे होंगे हम 3-3.5 किलोमीटर जब से यहाँ पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दो मिनट नहीं लगती प्लेटफॉर्म पर, आगे बहुत चलना पड़ता है, सच में कसम से बहुत चलना पड़ता है।